हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं लव सॉन्ग के पार्ट फोर। पिछले पार्ट में हमने सुना था हिप्पो जान को एक लेटर लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो फाइनली जान से बात करने के लिए रास्ता ढूंढ लिया था। अब आगे की स्टोरी। अब कल ठीक वेडनेसडे को सहजन हिप्पो के पास आता है और कहता है कि वो कल थर्सडे को ठीक 8 बजे उसके क्लिनिक आएगा इंटरव्यू देने के लिए। उसके पापा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो इमीडिएटली 2 रूम ऑपरेटिंग करने लगते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के लिए और सबको फिर से क्लीन करने लगते हैं। उनके क्लिनिक में वो पहले से ही था, मगर न्यूरोसर्जन ना होने के वजह से वो कभी भी पहले यूज़ नहीं हुआ करता था। उन्होंने एक मॉडर्न कंसल्टेंट रूम भी सेटअप कर लिया था जिससे जान इंटरेस्ट ले सके कि उनके साथ काम करने के लिए। मगर हिप्पो को ऐसा कुछ भी नहीं लगता था कि जान को भी इस सब की ज़रूरत है। अब थर्सडे मॉर्निंग को हिप्पो काम से जाने से पहले ही वो अपनी डैड के ऑफिस के बाहर ठीक एंट्रेंस में जान का इंतज़ार करने लगता है। 8 बज चुका था मगर जान अभी भी नहीं आया था। 8:30 हो गया, अभी भी जान नहीं आया था। हिप्पो तो बस घड़ी की तरफ ही देख रहा था, क्या हो गया, जान अभी तक क्यों नहीं आया। उसी समय इमरजेंसी रूम से अलार्म बजने लगता है। उसके डैड हिप्पो सभी उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। जो इमरजेंसी के जो डॉक्टर थे वो कहते हैं कि एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैफिक के बीच में ही एक नेचुरल गैस का ट्रक एक्सप्लोड हो गया है जहाँ पर 150 से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा इंजर हो गए हैं। उन सभी को डिफरेंट हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। अब हिप्पो बाहर इंतज़ार करने लगता है। बहुत सारे सर्जन असिस्टेंट और बहुत सारे डॉक्टर एंट्रेंस में बस उन सब का इंतज़ार करने लगते हैं। उसी समय फर्स्ट एम्बुलेंस आता है। जैसे ही एक डोर ओपन होता है हिप्पो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एक इंसान जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और उसके पास जो सहजन बैठा हुआ था उसके पूरे बॉडी उसके कपड़े में पूरा ब्लड से भीगा हुआ था। तभी तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जान चिल्ला तो ये कहता है कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन को इमीडिएटली यहाँ पर बुलाओ। उस लिटिल बॉय के सर पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ था, इसी वजह से हिप्पो जान और कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन उसके पीछे ऑपरेटिंग रूम में जाने लगते हैं। तो असिस्टेंट सर्जिकल करने के लिए सब कुछ ऑपरेटिंग करने लगते हैं। हिप्पो सवाल लेने के बाद जान भी सवाल लेने के चला जाता है। कुछ ही सेकंड में वो भी आ जाता है। हिप्पो वहाँ पर खड़ा हुआ था, वो बस जान से पूछना चाहता था कि वो भी उसका हेल्प करे, मगर वो कोई सर्जन नहीं था। जान हिप्पो की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम इस ऑपरेशन में असिस्ट करना चाहोगे। हिप्पो नोट करते हुए जान के पीछे जाने लगता है और सभी को ये एक्सप्लेन देते हुए कहता है ये इंटर्न है, ये डॉक्टर वांग जो मेरे साथ आए हैं। और हिप्पो का जॉब था कि वो बस उस छोटे से बच्चे से बात करे और उसे बहुत सारा सवाल करे जिससे वो बच्चा बस जगता रहे, सोए नहीं। अब जान उस छोटे से बच्चे का ऑपरेशन स्टार्ट करने लगता है और हिप्पो को कहता है कि उसका केयर करने के लिए। हिप्पो उसके पास जाता है। वो बच्चा जैसे लग रहा था कोई किंडरगार्टन का स्टूडेंट है। तो हिप्पो उसके पास जाकर कहता है तुम्हारे क्लास में कोई तुम्हारा फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है। वो छोटा सा बच्चा कहता है हाँ, उसका नाम नाना है। हिप्पो कहता है वो लड़की है लड़का। वो बच्चा कहता है वो लड़की है। हिप्पो कहता है क्या वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है। बच्चा थोड़ा सा सोचते हुए कहता है हाँ, वो मुझे लाइक करता है। हिप्पो कहता है तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। वो छोटा सा बच्चा कहता है नाना ने कहा वो मुझे शादी करना चाहता है। हिप्पो कहता है रियली, कंग्रेचुलेशन। छोटा सा बच्चा कहता है थैंक यू सर। अब हिप्पो उसे म्यूजिक के बारे में पूछने लगता है। हिप्पो कहता है क्या मैं तुम्हारा गाना गाऊं। जान बीच में कहता है हे, तुम उसे ज़रूर कहना, वो बहुत अच्छा सिंगर है। वो छोटा सा बच्चा भी एक्साइटेड होते हुए कहता है हाँ प्लीज़ मेरे लिए गाना गाइए ना। अब हिप्पो उस बच्चे के लिए एक गाना गाने लगता है।
जान और दो असिस्टेंट अपना काम करने लगते हैं और 30 मिनट्स के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जब तुम्हारा गर्लफ्रेंड जब तुम्हें देखेगा वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्राउड हो फील करेगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव बॉय हो। अब जान दूसरे पेशेंट को देखने जाने लगता है। उसी दिन जान ने 11 पेशेंट को ऑपरेट किया था। जो लास्ट पेशेंट था जिसे जान ने चेक किया था वो रात के 3:30 बजे था। इपो हर वक्त जान के पास में ही खड़ा हुआ था। अब इपो अच्छे से समझ गया था कि उसके डैड जान को इतने तक पीसेस क्यों मानते हैं। यहाँ तक इपो ने इंटर्न से ये भी सुन रखा था कि जान कितना ज़्यादा काम मैनर है, काम करते वक्त वो कितना ज़्यादा खुश रहता है और लोगों को ट्रस्ट दिलाता है कि वो सब पूरी तरह ठीक है। इपो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब अगले दिन फ्राइडे को शाम को टीवी में दिखाई देता है वो एक्सीडेंट के केस जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने इंजर्ड लोगों को ढूंढ रहे थे। उसी समय जान का भी फोटो आता है जिसमें वो पेशेंट का ख्याल कर रहा था और उन्हें अपने आप में लेकर एम्बुलेंस तक पहुँचा रहा था जिसके वजह से उसके पूरे कपड़े पर ब्लड लगा हुआ था। वहाँ पर और दूसरे लोग भी थे जो मेन वुमेन थे जो बस इंजर्ड लोगों को ढूंढ कर उन लोगों को एम्बुलेंस तक पहुँचा रहे थे। तो न्यूज़ रीडर कहता है वो लोग वुमेन और वो डॉक्टर जो आज हीरो का काम किया है। कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन भी जहन को बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। जहन सभी को रजिस्ट करके वो डॉक्टर रूम से बाहर आ जाता है। इपो के डैड इपो के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है यही वजह है कि मैं डॉक्टर साहब को चाहता था कि वो हमारे क्लिनिक में काम करे, वो फैंटास्टिक डॉक्टर है। इपो भी उस बात पर एग्री था क्योंकि इपो ने कल जान का काम देखा था, उसके काम कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस है और प्रोफेशनल है, उसे इपो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। ऊपर से इपो जान को प्यार करता था और तो वो इपो की स्पीचलेसनेस को भी जान इग्नोर करते हुए उसे चेयरफुली बातें कर रहा था। अब जान रेस्ट रूम से बाहर आकर वो किसी से बात कर रहा था और डिस्कशन करने के बाद इबो के डैड के पास आकर कहता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ये कहकर वो इबो को गले लगाता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। इबो भी उसे गले लगा लेता है। इबो तो ये कहना चाहता था कि जान कुछ देर तक ऐसा ही रहे मगर वो तो जान के सामने पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता था। जान कहता है मुझे लगता है किसी को हक करना पसंद है। इपो के डैड अपना साथ लेते हुए कहता है ऐसा नहीं है, उसे फिजिकल कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मगर तुम्हारे साथ अलग है। इपो के डैड इपो को थोड़ा सा एम्बरेस कर देते हैं। इपो मन में सोचता है जान उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, वो कितना ज़्यादा वरीड बॉय है, वो ज़्यादा बातें भी नहीं करता। जान इबो के बैग को मुस्कुराते हुए रब करते हुए कहता है मैं ग्लैड हूँ कि तुम मुझे इतना ज़्यादा अहम देते हो। ये कहकर वो इबो के नोज़ को थोड़ा सा टैप करते हुए गुड बाय कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसी दिन से आज को 1 महीना हो गया था। इबो ने जान को देखा भी नहीं था, उसे बातें नहीं किया था। यहाँ तक ये जान क्लब में भी काम नहीं करता था इसलिए इबो अपने क्लब के मैनेजर जान के कजिन से बात करने के लिए जाता है। वो जान के बारे में पूछता है तो उसके कजिन उसे अपने ऑफिस रूम में ले जाता है और उसे वहाँ पर बिठाते हुए बातें करने लगता है। उसका कजिन कहता है जान अब आउट ऑफ स्टेट है, वो अपनी फैमिली के पास है। उसके पापा ने उसे बुलाया था। जब उसके डैड को पता चला कि वो जॉन हॉपकिंस में काम नहीं कर रहा है, बीजिंग वापस आ गया है, इसलिए उसके डैड उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे। वो बस चाहते हैं कि जान रिसर्च में काम करे, वो प्रोफेसर के साथ स्टडी करके उनके साथ वही काम करे मगर जान वहाँ पर काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो इसलिए बीजिंग वापस आ गया था। ये बात उसके डैड को पता नहीं था। जब उन्हें पता चला वो तो जान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे के साथ बीजिंग में ही काम करें मगर जो जान ये सब कुछ नहीं चाहता था। इबो के डैड तो
जान को एक कॉटन में जैसे रैप करके हमेशा अपने पास ही रखे और हमेशा उसके आसपास ही रहे। हिप्पो कहता है, क्यों? उसका कजिन कहता है, मैं तुम्हें बात बताऊंगा, मगर प्लीज़ तुम्हें बात किसी को भी नहीं कहोगे, यहाँ तक अपने पैंट को भी। हिप्पो इस बात पर प्रोमिस कर लेता है। उसका कजिन कहता है, वो सभी को लगता है कि वो अपनी बहन की वजह से गाना बंद कर दिया, मगर सीरियसली ये बात सच नहीं था। जब वो 21 एज का था कि एक क्रेजी मैनिक ने उसका किडनैप कर लिया था। जान 2 महीने तक एक बेसमेंट में उसे कैद करके रखा था। उस किडनैपर का ना कोई डिमांड था, ना किसी से कॉन्टैक्ट किया था। वो तो बस जान को अपना पास रखना चाहता था, उसे प्यार कर बैठा था। वो उसे हर बात स्टॉक करता था। जान हमेशा उसके प्रपोज को रिजेक्ट करता था, इसी वजह से उसने उसे किडनैप कर लिया था और उसे ड्रग देकर अपने पास रखता था। जान कहता था कि वो लड़का उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, वो बस उसके साथ खाना खाता था, टीवी देखता था, मगर उसे कोई भी परवाह नहीं था कि जान को क्या फर्क पड़ता है, जान को कैसा लग रहा है। जब पुलिस उस इंसान को पकड़ लिया था तो उसने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट में लिखा था कि वो जान के बगैर जी नहीं सकता। उसी दिन से जान के डर इस तरह बन गए थे, वो अपने बेटे को अपने पास रखना चाहते थे और हमेशा उसे जैसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। इबो कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा ओवररेट की बात है, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि उसके डर उसके लिए डर रहे हैं, मगर मैं देख लूँगा। उसका कजिन कहता है, मैंने बात बस तुम्हें कहा है, तुम किसी को भी मत कहना, इस बात पर मुझे भरोसा है। मैंने तुम्हें इसलिए कहा कि मुझे ऐसा फील होता है कि तुम जान को लाइक करते हो, इसीलिए अगर तुम उसे बीजिंग वापस लाना चाहते हो तो इस बात पर हमेशा कोशिश करना, जैसे उसके डर तुम पर भरोसा करें। वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या मतलब तुम्हारा, तुम्हें लगता है मैं जान को लाइक करता हूँ? उसका कजिन कहता है, मेरे सर में तो आँखें हैं, मैं क्लियरली देख सकता हूँ तुम मेरे कजिन को किस तरह देखते हो। अगर तुम मेरे अंकल से बातें करना चाहते हो तो फिर अच्छे से बात करना, क्योंकि वो अच्छे सेक्रेटरी से वो तुम्हारे आँखों को देख कर ही इमीडिएटली तुम्हारे दिल की बातें पढ़ सकते हैं। और उसके मदर भी, वो भी एक डॉक्टर है, उसके मदर भी एक न्यूरो सर्जरिस्ट थे, मगर उनकी बड़ी बहन यानली की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपनी जॉब से क्विट ले लिया था। उसकी बड़ी बहन वो भी साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे, मगर फिजिकली की बीमारी के वजह से वो अभी कोई भी काम नहीं करते। यानली जान का सेकंड मदर है। यानली जान को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर यानली को कोई भी पसंद नहीं आया तो भी जान को भी वो इंसान पसंद नहीं आता, इसीलिए केयरफुल रहना। मुझे लगता है जान कभी भी किसी को प्यार करेगा तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन होगा। उसके लिए उसकी फैमिली पहली है, जो उसकी फैमिली के सूटेबल होगा उसी से ही वो प्यार करेगा। मगर अब मैं खुश हूँ कि वो पहले की तरह मुस्कुरा रहा है, शायद उसके डांट के वजह से, जो अच्छे सेक्रेटरी से उसने जान को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मगर मुझे लगता है जान भी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो भी इतनी इजीली कभी भी गिव अप नहीं करता। अब जान का कजिन इबो को उसका फ़ोन नंबर और उस जान का घर का एड्रेस सब कुछ दे देता है। अब इबो जाकर अपने डांट से भी ये सारी बातें कह देता है कि उसके डांट के परमिशन के बगैर वो यहाँ पर नहीं आ सकता। अब वो अपने डैड से परमिशन लेकर वो भी वहाँ पर जाना चाहता है, मगर हिप्पो अपने मन में सोचता है कि वो एक न्यूरो सर्जन के लिए इतनी दूर जाएगा उसे पीछा करने के लिए, क्या ये ठीक रहेगा? अगर उसे पता चल गया कि वो उसे प्यार करता है तो ये बहुत ज़्यादा एम्बरेसिंग बात होगा। अब रिहर्सल के टाइम पर भी संज्ञान हिप्पो की तरफ देखता है, जो गहरी सोच में था। संज्ञान कहता है, क्या तुम्हें पता है बारटेंडर कहाँ पर है? उसकी बातें सुनकर इबो का फेस पूरी तरह रेड हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। कहता है, मुझे कैसे पता होगा? लकीली उसी समय हुई से उसे बचा लेता है।
वो दूसरे बातें करने लगता है। इबो अपने मन में कहता है, मुझे और ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ेगा।